वालेकुम वी आर राइटिंग सस्पेंस एंड हॉरर सस्पेंस के बारे में पहले बात करते हैं हमने आ, पिछले जो आपने देखे होंगे वीडियोस, उसमें हमने आपको टिप्स भी दिए थे ट्रिक्स भी दिए थे कुछ उसके बारे में भी बताया था कि ये होता क्या है तो सस्पेंस जो है वो बेसिकली ओबियसली एक एक ऐसी सिचुएशन जहाँ हमें मालूम ना हो कि आगे अगलिया क्या होने लगा है हमें आ, अननोन जो है ना वो हमारे सामने हो और उससे जो एक फीलिंग क्रिएट होती है कि हमें पता नहीं है अब क्या होने वाला है क्या सिचुएशन है थोड़ी सी टेंशन होती है थोड़ा सा खौफ होता है इन्जाइटी होती है तो ये सारी जो एक सिचुएशन है इसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है कैसे लिखना पड़ता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे पहले मैं आपको एक एक्सप्ट जो है वो पढ़ के सुनाऊँगी ये सिचुएशन एक सस्पेंस की है और Joe suspense create kar rahe hain, tab tak ki hai. Toh, uh, I'm guessing Joe Napier has just called you and ordered you not to let the orange VW pass the checkpoint. That's correct Mr. Smoke. I'm here to countermand that order on Mr. Grimaldi's personal authority. You will raise the barrier for the VW and let me follow. You will phone your buddy on the mainland checkpoint now and tell him not to let anything through until he sees my car. When Mr. Napier gets here, about 15 minutes from now, you will tell him Alberto Grimaldi says, go back to bed. Understand, Richard? Understood, Mr. Smoke. Now, what is situation? We know that पहला जो उसको ऑर्डर आया था वो ये आया था कि वी डब्ल्यू को आगे चेक पॉइंट से गुजरने नहीं देना मगर उसके बाद एक और साहब आए और उन्होंने कहा नहीं नहीं आपने उसको गुज़रने देना है और मैंने उसका पीछा करना है तो आप अपने दोस्त को फ़ोन करें और उससे कहिए कि जब वो मेरी किसी को जाने ना दे जब तक मेरी गाड़ी ना देखे और जब वो पंद्रह मिनट बाद मिस्टर नेपिया पहुँचेंगे तो फिर आप अलबर्टर को भी बताएंगे कि जाके सो जाओ ठीक है इसके बारे में कुछ नहीं करना है और उनको थ्रू होने देना है उसने कहा अच्छा ठीक है अब सस्पेंस है हमें पता नहीं कि हो क्या रहा है सिचुएशन आगे बढ़ क्या रही है तो ये लग रहा है कि कुछ आ, कोई किसी का पीछा कर रहा है किसी के साथ कुछ करना जा रहा है मगर एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है अभी तक हमें मालूम नहीं है अगली सिचुएशन है एक सस्पेंस की वो मैं पढ़ती हूँ कोल ट्रैक द सूट केस अंडर द सिंगल वॉ लाइट He found a piece of pipe and jabbed the lock. The pipe clinked against the brass. The lock held. Koyol looked around for something to pry, a screwdriver or a chisel, but there was nothing but stone and broken glass. In frustration, he raised the pipe over his shoulder and swung as hard as he could at the lock. A metallic crack, and with a frightful wave of stench, the suitcase sprang open under the light he saw the ruined eye the flattened face and the blood stiff moustache of boyonet melville on a bed of seaweed the gelatinous horror slid out onto the wharf. to thoda tora is suspense or yeah, a tora thoda horror biare ki gi ek suitcase ke suitcase and barasa melo or usko usne और उसको खोलने की कोशिश की पहले तो वो खुल नहीं रहा था समझ नहीं आ रहा था खुलेगा कि नहीं खुलेगा और फिर जब वो खुल गया तो अंदर एक डेड बॉडी थी और अब हमें नहीं पता किसकी वो बॉडी है क्या हो रहा है किसने मारा क्या किया तो ये भी एक सिचुएशन सस्पेंस की आ जाती है तो हमें करना क्या है वी हैव टू बिल्ड एंटिसपेशन फॉर चैप्टर्स मोस्ट सस्पेंसफुल इंसिडेंट यानी कि हमें बिल्ड करना पड़ता है शुरू से एक चीज़ को लेकर जाना है और हमें बिल्ड करना है टू द पॉइंट जहाँ सस्पेंस जो है वो उभरेगा यानी कि जब वो सूटकेस तो वो पहले ड्रैग करता है सस्पेंस है कि जी सूटकेस खुलेगा कि नहीं एक दो दफ़ा वो कोशिश करता है खोलने की वो खुल नहीं रहा होता फिर एकदम से खुल जाता है। अब अंदर क्या है वो बाद में हमें पता चलता है मगर सस्पेंस सूट वो सूटकेस के खोलने तक बिल्ड करता रहता है राइटर जो है रिवील वाइटल इन्फॉर्मेश जो कैरेक्टर्स डोंट नो येट दम यानी उनको नहीं पता था कि उस सूट केस के अंदर डेड बॉडी है उस सूट केस के अंदर कपड़े भी हो सकते थे उस सूट केस के अंदर ज्वेलरी भी हो सकती थी उस सीट सूट केस के अंदर कुछ भी हो सकता था मगर उनको हमने बताया कि उसमें डेड बॉडी है कहानी से पहले जो अब तक कहानी बनती आ रही थी आपने उस डेड बॉडी के बारे में बात नहीं की थी तो उनको पता ही नहीं था कि कोई मर गया है और उसको में डाला गया है यूज शॉर्टेस्ट सेंटेंसेज टू इंक्रीज़ द पेस इन टेंशन यानी कि जब आप शुरू में लंबे लंबे लेकर जाते हैं और जैसे जैसे आप सस्पेंस बिल्ड करना चाहते हैं वैसे वैसे सेंटेंसेज आपके छोटे होते चले जाते हैं और पेस जो है उसकी वो तेज़ होती चली जाती है क्रिएट कंस्टेंट्स दैट कॉम्प्लिकेट द कैरेक्टर्स गोल यानी कि सस्पेंस क्या था कंस्टेंट्स क्या है वो क्या नहीं कर पा रहा वो बेसिकली सूट केस नहीं खोल पा रहा पहले कोशिश की उसने नहीं हुआ उसको कुछ और मिल नहीं रहा था किस चीज़ से खोले खुल नहीं पा रहा था तो वो एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो एक कैरेक्टर की ज़िंदगी में या जो वो एक सूटकेस खोलना जा रहा था उसमें वो क्रिएट होती चली जा रही थी उसको समझ नहीं आ रहा था ग्रिपिंग कैरेक्टर्स डायलेमा अब वो समझ नहीं आ रही उसको कि वो कैसे खोले उस सूट केस को क्या चीज़ इस्तेमाल करे कि वो सूट केस खोले और फिर अब उसने उसका हल निकाला सस्पेंस जो है वो वहाँ तक लेकर गया राइटर कि हमें नहीं पता कि सूट केस खोलेगा कि के नहीं खुलेगा और एक दफ़ा खुल गया सूट केस तो उसके अंदर से क्या निकलेगा तो इसको हम सस्पेंस कहते हैं या सस्पेंस की राइटिंग कहते हैं तो पांच चीज़ें हैं जो हमने इसमें हमने देखी जो हमें डालनी चाहिए कि एक जो है हमें बिल्डअप करना है एक हमें कैरेक्टर के बारे में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है जो हमें पहले नहीं पता थी सेंटेंसेस को जैसे जैसे सस्पेंस या क्लाइमैक्स जो है वो नज़दीक आता जाता है उसको हमने छोटा करते रहना है कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करनी है और क्रिपिंग डायलेमा uh, जो है ना वो एक हमें क्रिएट करना है कि भाई करें तो क्या करें कैसे करें तो उसी तरह हम सस्पेंस क्रिएट कर सकते हैं तो अब अगर हम ख़ुद सस्पेंस लिखने जा रहे हैं तो हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं हम बात करते हैं कि एक सस्पेंस की सिचुएशन क्या हो सकती है और उसको हम कहते हैं कि जी एक सस्पेंस की सिचुएशन हो सकती है आम सी चीज़ ले लेते हैं बहुत ज़्यादा हमें मर्डर लाने की ज़रूरत नहीं है तो हम कहते हैं कि जी सस्पेंस है कि कोई पास हुआ या फेल ये आप लोगों के लिए बड़ी दिल की बात होती है ख़ासतौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको बड़ा ये होता है कि भई इम्तहान जो है वो हमने दे दिया अब हम पास हो रहे हैं या फेल तो उसकी एक हम सस्पेंस सिचुएशन क्रिएट करते हैं और हम कहते हैं कि जी वन वीक And I have not heard back from them. One week, seven days, and sorry, my mind is. Too agitated to calculate how many hours, but I have not heard from them. Ding dong, Ding dong. Is that the bell? I hear. Do you think they mailed it? But no, they were to email it, or was it SMS? Oh, I cannot breathe. I need to know. Ding dong. Ding dong. I better open the door. It's on the floor. It's The brown envelope. I want to open it. I don't want to open it. अब सस्पेंस जो है ना वो बिल्ड हो रहा है अब हमें ये नहीं पता कि एनवेलप खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए एनवेलप के अंदर होगा वो खोलेगा नहीं खोलेगा क्या होगा पास होगा फेल होगा कुछ समझ नहीं आ रही अगर हम बिल्ड कर रहे हैं बिल्ड कर रहे हैं बस मेरे ख्याल में अब तक हमें जानना चाहिए कहानी में उसको हम एनवेलप खुलवा देते हैं ठीक है तो आई शुड ओपन इट आई पिक इट अप टर्न इट अराउंड एंड रिप इट ओपन इट इज माई रिजल्ट आई हैव फ् सो ये अब हमने कहानी बनाई जहाँ पर हमने एक क्लाइमैक्स तक हम लेकर गए डिफरेंट सिचुएशन लेकर आए जो एक डायलेमा था वो ये नहीं पता था कि ईमेल के जरिए आएगा या हार्ड मेल के जरिए आएगा घंटी भी बज रही है समझ नहीं आ रही उसका जी भी चाह रहा है कि उसको पता चले उसका नहीं भी जी चाह रहा पता चले हमें नहीं पता चल रहा कि क्या वो पास होगा या फेल होगा तो फिर हम वो उस सस्पेंस तक हम लेकर गए फिर हमने उसका जवाब दे दिया आई होप दिस हैज़ बिन हेल्पफुल थैंक यू